नमस्कार, मैं वैशाली बरसैया आज फिर एक पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूँ। मुझे विश्वास है कि आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। बेल आइकन दबाने से आप सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट को अपलोड होते ही सुनेंगे। आखिरी ताफिर, हिंदू कुश के कलश। ऐतिहासिक सत्य है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में रहने वाले हिंदुओं के खात्मे की वजह से इस पर्वत श्रृंखला का नाम हिंदू कुश पड़ा। हिंदू कुश पर्वतमाला पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। इस पर्वतमाला की ऊंचाई 7,708 मीटर है, अर्थात 25,05,50,590 फिट है। इस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी त्रिचमीर है। संस्कृत में इसे उपरासेना कहा गया है, जबकि यूनानी इस पर्वतमाला को कोकासोस इंदिकोश नाम से जानते थे। इसी पर्वत श्रृंखला में एक जनजाति भी रहती है, कलाश, कैलाश या कलश कहा जाता है। 7000 साल पुरानी कलश या कैलाश संस्कृति पाकिस्तान की इस्लामिक सांप्रदायिक विस्तारवादी कोशिशों से अपनी एथनिक पहचान एवं संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति और मानवता के पुजारी कैलाशी या कलश ऋग्वैदिक परंपराओं का निर्वाह करते प्रतीत होते हैं। कलश समुदाय के बारे में जब हमारी चर्चा चर्चित विद्वान आदरणीय श्रीयुत विनय चतुर्वेदी साहब से हुई, तब उन्होंने बताया कि मूलतः ये लोग दरद कहलाते हैं। महाभारत काल से इनका गहरा रिश्ता है। योद्धा के रूप में महाभारत काल में कौरवों की ओर से युद्ध में सम्मिलित भी थे। अब जानेंगे कलाश या कलश लोगों में महिलाओं की स्थिति। पाकिस्तान में महिला अधिकारों को लेकर हम सब केवल इतना जानते हैं कि वहाँ महिलाओं को कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु संपूर्ण पाकिस्तान ऐसा होगा यह अर्ध सत्य है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में निवास करने वाली ऐसी जनजाति में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार और खुलापन दिया गया है। कलश महिलाओं के अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार होने से भी पाकिस्तानी सामाजिक व्यवस्था इसे अस्वीकार करती है। कलश जनजाति महिला प्रधान जनजाति है। कैलाश जाति में बेटी के जन्म होने पर उत्सव मनाया जाता है। इस जनजाति के लोग मानते हैं कि नारी ही सृष्टि की सृजन का कारण है। कलश जनजाति की जनसंख्या। हिंदू कुश पर्वतमाला में निवास कर रही कलश जनजाति की जनसंख्या आज़ादी के पहले 22,000 थी। वर्ष 2018 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक केवल 4,000 थी, जो अब घटकर लगभग 3,000 हो चुकी है। यही कारण है यूनेस्को ने इस जनजाति को संरक्षित की जाने वाली जनजातियों की सूची में शामिल किया है। कलश जनजाति में महिलाओं की स्थिति पाकिस्तान के अन्य स्थानों की अपेक्षा बेहतर होने के बावजूद इनकी मात्र 18% महिला आबादी एजुकेशन से जुड़ी है। 25% पुरुष शिक्षित माने गए हैं। वैसे भी पाकिस्तान का संपूर्ण शैक्षिक सूचकांक अन्य विकासशील देशों के सापेक्ष सामान्य से निचले स्तर पर है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। यह जनजाति अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर कैलाश या कलश वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। धन्यवाद।